मौके पर बाबा गरीबनाथ मंदिर समेत शहर के शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने लंबी लाइनों में खड़े होकर भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए इंतजार करते रहे। वहीं भगवान भोलेनाथ के अलग अलग नामों से खूब जयकारे लगाए। सुबह से ही शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहीं मंदिरों में सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। खासकर बाबा गरीबनाथ मंदिर तक बैरिकेडिंग की गई थी ताकि भक्तों को भगवान शिव को जल चढ़ाने में असुविधा न हो। बाबा गरीबनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का जत्था देर रात 12 बजे से पहुंचना शुरू हो गया। वहीं सुबह 4 बजे मंदिर का पट खुलने के बाद जलाभिषेक शुरू हो गया। इसके अलावा आनंद भैरव मंदिर, गन्नीपुर, ब्रह्मपुरा का बाबा सर्वेश्वर नाथ मंदिर, अखाड़ा घाट का बाबा लक्ष्मीश्वर नाथ मंदिर, गौशाला में बाबा शक्तिनाथ मंदिर व जगन्नाथ पताही के बाबा भदेश्वर नाथ मंदिर सहित अन्य शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ है। वहीं शिव भक्ति के गानों से पूरा वातावरण भक्तिमय है। वहीं मंदिर परिसर में पुलिस बलों की तैनाती भी की गई। वहीं जगह जगह मंदिर परिसर द्वारा भव्य जुलूस भी निकाला गया है। 500 सेवा दल है, उसका पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन भी अपना उनको देखता है और हमारा सेवा दल हरदम कार्य करता रहता है मंदिर के प्रति और बाबा के प्रति और बाबा के भक्तों के प्रति समर्पण रहती है और उसी समर्पण के साथ हर भक्तों की सेवा की जाती है और हर भक्तों का जल चढ़े ये सुनिश्चित किया जाता है। और अभी तक तो लगभग 15 से 20 हज़ार लोग आ चुके हैं। सुबह 4 बजे से मंदिर खुला हुआ है, कल 12 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। जितने भक्त आगे सबका प्रथम किया होगा, कोई लौट के नहीं गया। प्रवेश के लिए और निकासी के लिए भक्तजन की किस तरह की सुरक्षा है? आप अपने कैमरा की नज़र से देखा तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारी सुरक्षा जो सावन में रहती है बहुत सारा प्राथमिकता है। महिलाओं का अलग लाइन है, पुरुषों का अलग लाइन है। महिलाओं के अलग सेवा दल के सदस्य हैं और पुरुषों का अलग सदस्य। बारात के लिए अगर किस समय और बारात से लगभग 11 बजे 11:15 तक निकल जाएगी। क्या कुछ योग है इस बार महाशिवरात्रि की, आप जरा बताइएगा दर्शकों को। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, महाशिवरात्रि अपने आप पूर्ण होता है जी। योग क्या होता है जी? ना महादेव की विवाह हो, पुरुष और प्रकृति की विवाह, यह योग नहीं, ये सब कथनी की बात है। उसी बात नहीं, योग योग कुछ नहीं, महायोग यही है जो महादेव की आज विवाह है जी, महारात्रि है, आज के जगने का विधान है, पूजा करने का विधान है। कितने देर से यहाँ लाइन में खड़े थे? कैसा लग रहा है? पिछले साल भी नहीं हुआ था जलाभिषेक, इस वर्ष हो रही है। जलाभिषेक नहीं हो रही थी, इस वर्ष हो रही है, कैसा लग रहा है? कब से आए यहाँ पे? कितना देर हुआ पंक्ति में लगे हुए? कब से यहाँ खड़े हैं लाइन में? कब से खड़े? 10 मिनट, 1 घंटे से खड़े हैं। मंदिर कब से आ रहा है, मतलब गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक कब से करने आ रहे हैं? पहली बार है ना? अभी तो बहुत सही लग रहा है, पहले थोड़ा सा लगा था लेकिन यहाँ पे मेहनत किए दिलाने के लिए। अच्छा, लेकिन मंदिर का तो जलाभिषेक कर ही लेना है। पंक्ति में खड़ा है, आधा घंटा हो गया। कैसा लग रहा है, मतलब विगत कई वर्षों से? हम लोग यहाँ के लोकल हैं, हम लोग हमेशा हर साल आते हैं। कहाँ के निवासी हुए? मुजफ्फरपुर। अच्छा, कब कितने वर्ष से आ रहे हैं? लगातार हर साल आते हैं। अच्छा, पिछले साल भी नहीं हुई थी जलाभिषेक, उसको लेकर? अच्छा, पिछले साल नहीं हुई, अच्छा नहीं लगा था, इस बार हो रहा, अच्छा लग रहा है। जलाभिषेक कर ही लेना है। बाबा गरीबनाथ की नगरी में कोरोना के बाद सभी लोग का हर्षोल्लास के साथ जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं। छाता बाजार की तरफ से एंट्री है और मक्खन साह चौक पट्टी टोला के लिए छोटी मंदिर की तरफ से रास्ता बना हुआ है, क्योंकि रोड अभी नया बना है बाबा के मर्जी से, इसलिए सब लोग को सुविधा बना हुआ है कि एक तरफ से आए एक तरफ से चले जाइए। साथ में जो लोग गाड़ी गुड़ी से आते हैं उनके लिए छाता बाजार साइड में अपना गाड़ी लगाने के लिए डी स्कूल तक रास्ता बना हुआ है, जगह सफाई करके रखा हुआ है। जो बाबा नगरी में जितने भी लोग आ रहे हैं सभी का एक ही उद्देश्य है, जलाभिषेक करना। और हम सबके लिए, क्योंकि 11 बजे ही आज बराती निकल जाएगी और इस बार 11 बजे यहाँ से पूरा खोला जाएगा, बाबा का सिर बरात इधर से जाएगा नए मार्ग से, आज उनके द्वारा उद्घाटन भी किया जाएगा इस सड़क और नाले का। सुबह से शिवरात्रि को लेकर सुबह से लगभग 30 से 40 हज़ार भक्तों ने अभी तक जलाभिषेक कर लिया है और अभी लगभग और सही से जल अभिषेक हो जाए, जिसकी हम हमारे टीम के सेवा दल के सभी सदस्य लगे हुए हैं। सुबह से 200 सदस्य सुबह 4 बजे से मंदिर में लगे। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ है? व्यवस्था है, मंदिर प्रशासन का भी व्यवस्था। अच्छा, निकासी के लिए और प्रवेश के लिए किस तरह का द्वार बनाया हुआ है?